हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कुछ मीठा मीठा, कुछ डेजर्ट टाइप, मतलब मालपुआ। लेकिन ना पता है, मुझे आज तक कभी ये समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालपुआ एंड गुलगुले। इन ये दोनों क्या सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? अगर आपको पता ना तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर ये दोनों सेम होता है या अलग अलग। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेना होता है एक बाउल, उसमें डालो थोड़ा सा राइस फ्लोर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर थिकनेस के लिए और राइस फ्लोर क्रिस्पीनेस के लिए, और थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दो और इसका एकदम थिक सा बैटर बना लो, एकदम स्मूथ एंड थिक बैटर। उसके बाद उसमें डालो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, वो ताकि स्पंजी हो, थोड़ा सा फूले इसलिए, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर क्रिस्पीनेस के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। देन लो एक पैन और उसमें बहुत सारा ऑयल डालो, फिर उसमें डालो हमारा मालपुआ वाला बैटर, और फिर बीच में डालो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से थोड़ा सा और बैटर, एंड लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए मतलब तल लो, ये हो जाता है। और ये पलटने के बाद मुझे ना पीछे से थोड़ा थोड़ा सा पैनकेक जैसा लग रहा था। उसके बाद आपके पैन में जितनी भी जगह है ना, आप सब में ऐसे ही कर लो, पहले बैटर डालो, फिर बीच में ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से थोड़ा सा और बैटर, एंड इसको अच्छे से तल लो जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन ना दिखने लगे, टेस्टी तब तक। उसके बाद ना आप लो फ्लेम पे ही तलना, बिकॉज अगर आप हाई फ्लेम पे तलोगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह जाएगा, जिसकी वजह से खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। एंड देखो, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स लो फ्लेम पे तलने के बाद हमारा मालपुआ रेडी है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब। बाय।